आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पेशवेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर में चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन विश्वास यात्रा के साथ सिद्धार्थनगर पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, सूर्य प्रताप शाही, जगदम्बिका पाल और सांसद डुमरियागंज की तरफ से जन विश्वास यात्रा जिले में पहुंची और बनकटा चौराहे से होकर सिद्धार्थनगर जनपद से सनई चौक के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने लोगों से बातचीत की और सीएम योगी के सरकार में उन्होंने मुफ्त राशन, बिजली, सड़क, पानी का विस्तार पूर्ववत बीजेपी के कार्यालय में हो रहा है। मैनपुरी में करहल पुलिस ने आज फर्जी इंटरेस्ट ग्राम की फर्जी आईडी बनाकर एक आवेदक की शादी तोड़वाने के उद्देश्य से मंगेतर के विरुद्ध अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। आपत्तिजनक टिप्पणी और अभद्र भाषा करने से एक व्यक्ति की शादी टूट गई, जहां प्रार्थी के प्रार्थना पद को मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। अभियुक्त के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। साइबर सेल और साइबर प्रभारी इन्हों को एक सूचना मिली थी कि एक इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके और एक व्यक्ति जिसकी शादी तय थी उसके मंगेतर के विरुद्ध तमाम अश्लील मैसेजें डाले जा रहे हैं और शादी टूटने कगार पर है। इसको सीरियसली लेते हुए हमारी टीम ने इस पर वर्क किया और इसमें सुमित कुमार नाम का एक अभियुक्त जो आपके सामने है, एक करहल क्षेत्र का रहने वाला है, इसको मैं मोबाइल फोन के इसको अरेस्ट किया गया है। मुकदमा आईडी कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी खड्डा के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत और अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई के तहत अपराधियों के खिलाफ 21 पेटी अवैध शराब के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामदगी और गिरफ्तारी की आधार पर कार्रवाई की जाएगी। की कार्रवाई पूरे जनपद में चल रही थी, जिसमें थाना अध्यक्ष हनुमानगंज पनियावा पिकेट पे अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान टोयोटा फॉर्चुनर गाड़ी में दो व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति जो चालक था वो आर्मी की ड्रेस में था तथा नेम प्लेट भी लगाया हुआ था, संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर उनकी चेकिंग की गई तो उनके टोयोटा फॉर्चुनर गाड़ी से 21 पेटी जो है हरियाणा निर्मित जो है अवैध शराब पाई गई, जिसे वो मोतिहारी बिहार सेल करने के लिए ले जा रहे थे। और इनके पास से आई कार्ड्स भी बरामद हुए हैं जो फर्जी है, आर्मी का बनाया हुआ, और चूंकि वर्दी में थे और उसको छद्म रूप में आर्मी की वर्दी में होते हुए जो है इस प्रकार का कृत्य किया गया है, जिसके संबंध में फतेहपुर में खागा कोतवाली में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पत्नी ने खुद को आग लगा ली। आग में जलकर महिला की मौत हो गई है, जहां पत्नी की मौत से घबराए पति ने घर में बगल में बने तालाब में छलांग लगाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को तालाब से निकाला और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के कारणों का पता नहीं चल पाया। बलरामपुर में पुलिस का एक सराहनीय कार्य सामने आया है, जहां पुलिस सर्विस लांस की टीम ने 50 गुमशुदा मोबाइल स्मार्टफोन बरामद कर संबंधित मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया, जिसमें मोबाइल की अनुमति लागत करीब 7 लाख रुपए है, जिसमें पुलिस ने बताया कि पिछले वर्षों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी किए गए स्मार्टफोन को बरामद करते हुए मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया गया, जहाँ पुलिस की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और तकरीबन 50 लोग पुलिस कार्यालय में अपने मोबाइल लेने के लिए आए, जहाँ पर नव वर्ष के अवसर पर उनके चेहरे
पर खुशी दिखाई दी। मोबाइल स्वामी ने कहा कि पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए उन्हें नववर्ष का तोहफा दिया है, इसलिए वह पुलिस टीम को धन्यवाद भी ज्ञापित किए और कहा कि पुलिस इस तरह से कार्य करती रहे तो जनता का विश्वसनीय होती रहेगी। चाहता हूं कि कम से कम उन गरीब उन बच्चों का जिनका मोबाइल गायब हुआ है उनके पीछे इतना मेहनत करके इन लोगों ने सबको मोबाइल दिलाया है और हमारी भी बिटिया का मोबाइल कोचिंग गई थी गायब हो गया था और काफ़ी परेशान थी। मोबाइल में सारा ऑनलाइन का उसका पेपर था लेकिन बहुत परेशान होने के बाद जब नहीं मिला तो हमने FIR किया और पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत करके हमारी बिटिया का मोबाइल और हम सभी का मोबाइल वापस। धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्हें साल भर हो गया मेरा मोबाइल गायब है लेकिन मिल गया। ये आशा तो थी, सब लोगों ने कहा भी था कि मिलेगा नहीं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ प्रशासन है तो वो अपना काम करेगा। जनपद में हम लोगों को लगातार फोन्स की गुमशुदगी के प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहे हैं और हमारी सर्विलांस टीम की डेडिकेटेड टीम इस पर काम कर रही थी और लगातार उनकी बरामदगी के हम लोग प्रयास कर रहे थे और आज नए वर्ष की पहले दिन ही हम लोगों ने 50 मोबाइल फ़ोन ऐसे जो जिनके गुमशुदगी के प्रार्थना पत्र प्राप्त थे उसको ट्रेस किया है और बरामद किया है और आज हम इनके जो अलीगढ़ में चोर लुटेरे हर रोज तांडव करते नजर आ रहे हैं, जहां हर रोज हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ के नजर आ रहे हैं। चोरों ने हेयरड्रेसर की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर हजारों का सामान चोरी कर फरार हो गए। दुकान में चोरी हो गई फिर 112 डायल पर सूचना दी गई, जहां मौके पर 112 नंबर और बेस और चौकी पवारी फोर्स के साथ पहुंचे। जबकि चौराहे पर पुलिस गश्त करती है फिर भी साल में एक दो दुकानों चोर ने तोड़कर चोरी हो जाती है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त है। फिर डायल 112 पर सूचना दी कि मौके पर 112 नंबर और बेस और चौकी पवारी फोर्स के साथ पहुंचे, जबकि चौराहे पर पुलिस गश्त करती है फिर भी साल में एक दो दुकानें तोड़कर चोरी हो जाती है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त है। रात बंद करके पूछे वाले सुबह आगे खोली तो दुकान फूटी हुई होंगी, बैटरी और इन्वर्टर गायब चोरी हो गए। चोरी की सूचना आई है, इन्होंने दुकानदार हैं, इन्होंने सूचना दी दुकान में जो इन्वर्टर और बैटरी के। बदायूं में SSP के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी ने मिलकर शातिर अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है, जहां पुलिस ने कई सामानों के साथ शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 शातिर अभियुक्तों के पास से अवैध शस्त्र और चोरी की गाड़ी बरामद की गई। अब शातिरों पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। भैंस चोरी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र से 3 भैंसें चोरी हो गई थी। थाना पुलिस द्वारा आज सफलतापूर्वक उस अभियोग का अनावरण करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनसे थाना बिनावर की 3 भैंसें व थाना सहसवान व थाना बिलसी से संबंधित 2 भैंसों का को भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली। देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र में पकड़ी बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विश्वकर्मा स्वीट्स जलपान घर पर दर्जनों लोगों ने तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद दुकानदार को मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई, जहां पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते ही आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि पकड़ी बाजार में मिठाई की दुकान पर तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। ₹2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी में ऊर्जा संभाल लिया। इसी कड़ी में सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में वंचित समाज सम्मेलन के नाम से आयोजित कार्यक्रम स्थल पर असदुद्दीन ओवैसी के आगमन को लेकर ओवैसी समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ था। जनसभा स्थल पर हजारों लोगों के बैठने के लिए पंडाल बनाया गया था, जहाँ ओवैसी के पहुँचने तक लोगों की काफी भीड़ नजर आई। वंचित ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी लेकर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि देश में मुस्लिम वोट को सभी राजनीतिक पार्टियों ने केवल उपयोग किया है, जिसके बाद हमारे हक की आवाज कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाई, लेकिन अब समय आ गया है जहाँ हम लोगों को मिलकर एक होकर आगे बढ़ना है। मैं
उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।